वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 4। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर दिस इज द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, एंड वी आर इलेक्ट्रिक स्फीयर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, और स्फेरिकल जो आपका कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा? कंप्लीट चार्ज। लेट अस कंसीडर इसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो इसके कंप्लीट सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और लेट अस कंसीडर कि जो आपका स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी जो रेडियस है वो ले ली अपने कैपिटल आर। हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि जो स्फेरिकल आपके पास कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते। सो वी नो दैट द कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड वी इज इक्वल टू, हाँ भाई, जो भी आपके पास स्फीयर होता है उसका, हाँ, कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर रखा है इससे प्रीवियस चैप्टर में। और वो सरफेस के लिए क्या आया था? सरफेस के लिए आया था 1/4πε0 q/r, और r क्या है? कैपिटल r है, कैपिटल r। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। ये तो आया था एयर के लिए, और मीडियम में क्या आ जाएगा? अगर ये मीडियम में हो स्पेयर तो vm इज इक्वल टू 1/4πε0 × εr q/r, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ये तो आ गया इन मीडियम, और ये आ गया आपके पास इन एयर। ठीक है, ये जो आपके पास एयर वाला जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का, इसकी वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट, सो देन वी कैन कैलकुलेट सी, यानी कैपेसिटेंस इन एयर। सो कैपेसिटेंस इन एयर सी एयर इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी की वैल्यू यहाँ पे ये रही 1/4πε0 q/r। ठीक है, q से q कैंसिल, सो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये 4πε0 इंटू कैपिटल r ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4πε0 इंटू r। सो सी एफ सी एयर आ जाएगा आपके पास, सी एयर इज इक्वल टू 4πε0 इंटू r। ये आ गया इस एयर के लिए, एयर में कैपेसिटेंस। ठीक है, मीडियम में कैलकुलेट करें तो मीडियम वाला जो आपका पोटेंशियल है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते मीडियम में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मीडियम के लिए? देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहां से, मीडियम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मीडियम के लिए आ जाएगा सी मीडियम सी एम इज इक्वल टू, हाँ जी, क्यू अपॉन वी, और ये मीडियम वाला रख देंगे तो 1/4πε0 इंटू εr क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आपके पास सी एम इज इक्वल टू आ जाएगा, सारा ऊपर आएगा 4πε0 इंटू εr इंटू आर। ये किस में आ गया? मीडियम। और एयर में क्या आया था बेटा? सी एयर आपके पास आया था 4πε0 इंटू आर। अच्छा, दोनों का रेशियो ले तो सी एम अपॉन सी ए इज इक्वल कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन एयर, तो बाय डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4πε0 εr इंटू कैपिटल आर अपॉन, एयर के लिए रहा तो एयर के लिए आ जाएगा 4πε0 इंटू आर, आर से आर कैंसिल, 4πε0 से 4πε0, सो सी एम अपॉन सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा εr। क्लियर, और सी एम अपॉन सी ए जो है ऑलवेज क्या रहेगा? सी एम अपॉन सी ए ऑलवेज 1 से ग्रेटर रहेगा।
बिकॉज वी नो दैट एप्सिलॉन आर जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू एयर के बाद इंक्रीज ही होगी जो भी मीडियम होगा, तो इनका जो रेशियो आएगा ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, उस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये हो गया बेटा, थोड़ा सा मैं बताऊं तो सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में एफ कैलकुलेट किया, एफ से हम ई पर पहुंच जाते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, एफ आ जाता है तो ई आ जाता है, और ई आ जाता है तो वी आ जाता है, और वी आ जाता है तो सी आ जाता है। चारों चैप्टर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है तो आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से अब कोई भी स्फीयर होता है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाता हूँ। क्या होगा न्यूमेरिकल में, रेडियस आपको दे देगा, ठीक है, रेडियस दे देगा और चार्ज जो है उसकी वैल्यू आपको बता देगा, और आपसे पूछेगा कि इसकी जो आपके पास वैल्यू है कैपेसिटेंस की वो क्या होगी। तो अर्थ भी तो एक क्या है अपने पास, अर्थ भी एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसकी कोई ना कोई आपके पास कैपेसिटेंस होगी, कितनी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे तब सोल्व करेंगे। अब तो बस ये याद रखना है आपको कि जो वी है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जो वीडियो हमारे चल रहे हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।